मोहम्मद साजिद पुत्र अयूब निवासी मोहल्ला पटेल नगर पश्चिम माधोगंज ने कोतवाली सहित जनसुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से राहत की फरियाद लगाई है। पीड़ित ने बताया है, हमारी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर नरपति सिंह इंटर कॉलेज के पास माधोगंज बघौली रोड पर स्थित है। 25 जनवरी 2024 को शाम को दुकान बंद कर घर चला आया था। रात में अज्ञात लोगों द्वारा दुकान को आग लगाकर जला दिया गया। दुकान में रखे टायर ट्यूब रिम सहित अन्य सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। जले हुए सामान की अनुमानित राशि लगभग 2 लाख रुपए थी, साथ ही 20,000 रुपए नगद रखे हुए थे। पीड़ित का यह भी कहना है कि दुकान के पीछे हिस्से के कॉर्नर पर लोहे की चादर को तोड़कर अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हुए नुकसान को लेकर पीड़ित ने शासन प्रशासन से राहत दिए जाने की मांग की है। उपरोक्त मामले पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक रविशंकर ने बताया है, मामले की जानकारी हुई है, मौके पर पहुंचकर तहकीकात की। मामले पर कोतवाली प्रभारी माधोगंज ने बताया, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भेजी गई थी। मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आग को बुझवाया गया। हरदोई से नरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। नाम हमारा मोहम्मद साजिद है, तो माधोगंज के निवासी हम रहने वाले, और हमारी दुकान में आयोजन 25 तारीख के रात में आग लगाई दी गई है, और हमें मुआवजा चाहिए। काहे की दुकान थी, कहाँ पे दुकान की थी? बीएन इंटर कॉलेज पास, 10 साल हो गए हमका, नरपत सिंह इंटर कॉलेज। अच्छा। 10 साल हो गए हमका दुकान रखे, तो सामान सारा जल गया है। जी, सारा सामान जल। कैसे लगी आग है? पीछे से तोड़ के, चादर तोड़ के लगी है आग। चादर तोड़ के? जी। तो लगभग कितने का सामान होगा? हमारा 2 लाख का सामान था। पूरा जल गया? पूरा जल गया। नगद में भी कुछ? हमारा 20,000 रुपया थे। 20,000 रुपये? जी। 10 सालों से दुकान वहाँ पे थी। जी, जी, किसी पे शक है जो आग लगाई? नहीं। फिर शिकायत की है इस संबंध में? थाने में हमने शिकायत की है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम मंत्री से चाहते हैं उनको कोई मुआवजा मिले। हमने मुख्यमंत्री को शिकायत की है। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन सरकार से? हम ये चाहते हैं हमारा मुआवजा मिले।